स्टार्ट। हाँ बेटा, गुड मॉर्निंग। आज आपका पहला लेक्चर मैथ्स का नाइन्थ का शुरू कर रहा हूँ, ठीक है? दैट इज नंबर सिस्टम, ठीक है? अब फिर आप लोग देखिए, एट्थ क्लास में थे, एट्थ क्लास के बाद मैथ्स का जो लेवल होता है वो थोड़ा सा अप हो जाता है, थोड़ा क्या मतलब काफ़ी कुछ अप हो जाता है। एट्थ में आप ज्योमेट्री बहुत कम पढ़ते हैं, इंट्रोडक्टरी ज्योमेट्री पढ़ते हैं, लेकिन नाइन्थ में ज़्यादातर आप ज्योमेट्री ही पढ़ेंगे। बहुत से चैप्टर ऐसे हैं जिनमें ज्योमेट्री लगती नहीं है, लेकिन फिर भी उसका इस्तेमाल होता है, ऐसा महसूस नहीं होता। जैसे नंबर सिस्टम है, अब इसे देखकर ऐसा महसूस नहीं होता कि इसमें ज्योमेट्री लगेगी, बट इसमें भी लगेगी, ठीक है? तो शुरू करते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में सबसे पहला आता है रैशनल और इरेशनल नंबर की बात। सो आपने भी पढ़ा हुआ है एट्थ क्लास में भी, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, नंबर्स बिचारे पी अमाउंट टू फॉर्म एंड क्यू डज नॉट इक्वल्स टू जीरो, ऐसे नंबर्स जो पी यानी कि न्यूमरेटर और क्यू यानी कि डिनोमिनेटर की फॉर्म में होते हैं, जहां पर डिनोमिनेटर जो है वो कभी भी किसके इक्वल नहीं होना चाहिए, जीरो के। इसका रीजन होता है, आप समझिए बात को, अगर मैं एग्जांपल ले लूं, सो 3/4 इज कंसीडर्ड एज रैशनल, बट 3/0 इज नॉट रैशनल। रीजन ये होता है, जब भी जीरो डिनोमिनेटर में आता है दैट इज नॉट डिफाइंड, दैट इज नॉट डिफाइंड और इन्फिनिटी, और क्या बोलते हैं इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी का साइन होता है। तो ये आपके रैशनल की कंडीशन नहीं है, तो इस वजह से कभी भी डिनोमिनेटर में क्या होना नहीं होना चाहिए, जीरो। इस वजह से कंडीशन दी जाती है कि डिनोमिनेटर कभी भी जीरो ना हो, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर जीरो हो गया तो आपकी जो कंडीशन है वो किस में चली जाएगी, नॉट डिफाइंड में चली जाएगी, और जो चीज़ें नॉट डिफाइंड होती हैं वो मैथ्स में किसी तरह की डेफिनेशन नहीं है। सो एग्जाम्पल बहुत सारे हो सकते हैं, 3/4, 7/2, 5/3, 0/1, यस जीरो इज अ रैशनल नंबर, क्योंकि जीरो के नीचे में डिनोमिनेटर में क्या लगा सकता हूँ, 1 लगा सकता हूँ। सर क्या 5 अकेला भी रैशनल नंबर है? डेफिनेटली, जिसके भी अकाउंट में आप 1 लगा सकें वो भी क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर हो जाएगा, क्लियर? तो इतनी बात तो आपने सिर्फ 8 में पढ़ी है कि इस तरह से क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं, लेकिन 9th आपको रैशनल नंबर की 2 डेफिनेशन और बताती है। सेकेंड डेफिनेशन, ये जो डेफिनेशन सेकेंड है और थर्ड है, ये दोनों डेफिनेशन किस पर बेस करती है, ये दोनों डेफिनेशन बेस करती है डेसिमल एक्सटेंशन पर। किस पर बेस करती है? डेसिमल एक्सटेंशन। डेसिमल एक्सटेंशन क्या होता है? डेसिमल एक्सपेंशन जैसे इफ आई एम डिवाइडिंग 10 बाय 3, तो 3 इज आर 9 1 पॉइंट, 3 इज आर 9 1, 3 इज आर 9 1, 3 इज आर 3 इज आर 3 इज आर, ये सब चलता चला जाएगा। तो ये जो 3 पॉइंट 3 3 3 आंसर होता है, इसको क्या बोलते हैं, डेसिमल एक्सपेंशन। ये इसका क्या है, डेसिमल एक्सपेंशन है। तो किसी भी न्यूमरेटर को जब डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं तो उसमें जो डेसिमलाइज डेसिमल वैल्यू आती है उसमें क्या कहते हैं, डेसिमल एक्सपेंशन। अब दो तरह के डेसिमल एक्सपेंशन हमारे पास हैं जो हमें रैशनल की डेफिनेशन बताते हैं। पहला द डेसिमल एक्सपेंशन इज इन द फॉर्म, इसमें इफ द डेसिमल एक्सपेंशन इज in the form of non-terminating
बट रिपीटिंग डेसिमल्स देन इट इज कंसीडर्ड टू बी रैशनल. तो अगर कोई डेसिमल एक्सपेंशन जैसे ये डेसिमल एक्सपेंशन था, टर्मिनेटिंग का मतलब समझा देता हूं. टर्मिनेटिंग का मतलब होता है टर्मिनेट हो जाना. तो नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या हो गया? टर्मिनेट ना होना. तो आप देखिए, अगर मैं 10 को 3 से डिवाइड कर रहा था तो क्या ये टर्मिनेट हो रहा था? नहीं. मैं पूरी जिंदगी भी इसको डिवाइड करता रहा, 3 3 3 3 3 3 आता जाता है. तो ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है कैसा है? ये टर्मिनेट नहीं हुआ, पूरी तरह से कटा हुआ नहीं है. इस वजह से क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग. और जब भी नॉन टर्मिनेटिंग है तो किस वजह से है? क्योंकि बार बार रिपीट कर रहा है. रिपीट होता रहेगा तो वही डेसिमल एक्सपेंशन आता रहेगा, तो नॉन टर्मिनेट रहेगा. तो कैसा हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. और इसमें जो चीज रिपीट करती है उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, 3 पॉइंट. डेसिमल के बाद जो भी बार बार रिपीट करता है उसके ऊपर क्या लगा देते हैं? बार. उसके ऊपर क्या लगा देते हैं? बार. ठीक. तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन जो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे बट रिपीटिंग होंगे क्या कहलाएंगे? वो भी रैशनल ही कहलाएंगे. एग्जाम्पल 3.3 bar. इसका क्या हो गया? एग्जाम्पल हो गया. ठीक. इसके बाद थर्ड डेफिनेशन क्या कहती है? थर्ड डेफिनेशन ये कहती है इफ द डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन रिपीटिंग बट टर्मिनेटिंग. नॉन रिपीटिंग बट टर्मिनेटिंग. देन ऑल्सो इट इज कंसीडर्ड रैशनल. अगर डेसिमल एक्सप्रेशन ऐसा हो जो कि नॉन रिपीटिंग हो, आपकी बार को रिपीट नहीं करेगा, तो डेफिनेटली टर्मिनेट हो जाएगा. तो नॉन रिपीटिंग भी हो और टर्मिनेटिंग भी हो तो हमेशा उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या माना जाएगा? वो भी रैशनल ही माना जाएगा. जैसे एग्जांपल में जो नंबर आपको दिया हुआ है 3.321. अब इसका मतलब आगे डॉट नहीं लगी हुई है, तो इसका मतलब यहाँ पर आके क्या हो गया? टर्मिनेट हो गया. अभी टर्मिनेट में आ गया तो क्या कहलाएगा? टर्मिनेटिंग. और टर्मिनेट क्यों हुआ? क्योंकि रिपीट नहीं कर रहा था, ये तो रिपीट कर रहा था इसलिए टर्मिनेट नहीं हो रहा. तो इस वजह से क्या हो गया? नॉन रिपीटिंग बट टर्मिनेटिंग. तो ये भी क्या कहलाएगा? रैशनल. तो रैशनल नंबर जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ इस फॉर्म में लिखे हुए मिले, आपको इस फॉर्म में भी मिल सकते हैं और आपको इस फॉर्म में मिल सकते हैं. इस सब को आज आप याद कीजिएगा, बाकी मैं कल आपको